अभी मेरे पास एक व्यक्ति जो आया उसने बताया कि जी मैंने चालान पेड करने के बाद भी मेरी आईडी नहीं मिली। तो मैंने पूछा क्यों नहीं दी आईडी, तो उन्होंने बताया कि आपने एक चालान पेड किया है दूसरा नहीं किया। तो मैं आपको बताऊं, बोल बोल क्या बात है। आरसी जैसे कि आईडी और आरसी जमा हुई एक चालान पे, हाँ चालान कर दी, तो जब चालान आ गया हमने पेड भी कर दिया। अच्छा, चालान आपने पेड कर दिया। फिर अभी तक वो चालान वो बोले कि एक और चालान आएगी तब आईडी आपकी जमा होगी। अच्छा, एक और चालान आएगा। आपका किस चीज का चालान हुआ था, गाड़ी कौन सी थी? बाइक थी। अच्छा, बाइक थी। आपका कहने का मतलब ये, एक चालान भर दिया तो क्या एक और चालान भी आएगा? तो मैं आपको बताऊं, उससे जब पूछा तो वो गाड़ी जो चला रहा था उसके नाम गाड़ी नहीं थी, यानी कि टू व्हीलर चलाने वाला था। जब भी टू व्हीलर या गाड़ी कोई चलाता है, चलाने वाले के पास में अगर लाइसेंस यानी DL ना हो और ऐसे व्यक्ति को अपनी गाड़ी दे या माइनर उसकी एज नहीं हो, तब मालिक का भी साथ निकलता है। आईडी में DL या RC और परमिट की गाड़ी है, परमिट या बिजनेस, ये जमा की जाती है। करते हैं आजकल जो भी चलान होते हैं, छोटा होते बड़ा हो, वो कोर्ट का ही होता है। और कोर्ट का चलान करने में एक आईडी दी जाती है। आईडी एक है, चलान दो हो जाते हैं, क्योंकि मौके पर तो वो एक ही चलाने वाला है। मालिक के चलान की भी आईडी वही है, उसकी दो कॉपी उस आईडी के चारों तरफ लपेट के और फिर सर्कल में जमा की दी जाती है। उसने एक चलान जमा किया और आईडी लेने गया। जैसे ही वो आईडी लेने गया तो आईडी देने वाले जो ट्रैफिक पुलिस वाला, उसने देखा कि चलान तो एक भुगतान हुआ है, तो उसकी आईडी दूसरा चलान जब पेड करेगा तभी मिलेगी। अब उसने कहा कि जी मेरे फ़ोन पर तो एक ही चलान की रकम आई है, दूसरे चलान की जो पे है फाइन है वो 5-7 दिन बाद आता है। अब उसका कहना था जी 7-7 आ जाए तो मैं 7 भर दूँ। अभी नया सिस्टम चालू हुआ है, सिस्टम अपडेट उतना नहीं हुआ है, 5-4 या 5-7 दिन के बाद में दूसरा चालान आ जाता है मालिक का भी। जब वो मालिक का भी पेड कर देगा तब वो दोनों चालान भरे माने जाते हैं। दोनों चालान एक साथ नहीं आते हैं, 5-7 या 20 का एक का टाइम होता है। तो इस बात का ध्यान दें, जब मालिक का चालान होता है, क्योंकि काफ़ी सेक्शन ऐसी हैं जिसके साथ मालिक का भी चालान होता है, ड्राइवर के साथ जिम्मेवारी सारी मालिक की होती है, माइनर को देते हैं तो भी मालिक का होता है। धारा 3-4 के साथ 5 भी लगती है, 5 मालिक की होती है और 3 बिना लाइसेंस की और 4 माइनर को अगर अपना बिना लाइसेंस वाले को देता है। तो इस कारण से उसकी आईडी नहीं दी गई। उसने बताया जी कम से कम 10 दिन मुझे पहला चालान फेड किए हुआ है और 10 दिन के बाद अब तक भी मालिक वाला जो ओनर का जो चालान था वो अब तक नहीं आया। तो मैंने बताया कि भाई अभी 1-2 दिन में या 2-4 दिन में आ जाएगा और मालिक का और पेड करने के बाद आपका जो रसीद लेकर जाओगे पेड की, आपकी आईडी मिल जाएगी। मैं सैरामवीर सिंह शर्मा, ZO दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, जय हिंद।